हेलो दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है तो आप उसको एक नॉर्मल फीस पे करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने एक महीने के भीतर भीतर अपना पैन कार्ड अप्लाई किया था या उसमें कुछ करेक्शन के लिए अप्लाई किया है तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास आपका पैन नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो मैं कस्टमर केयर का नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल कर लीजिए। वे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे और आपको आपका पैन नंबर दे देंगे। पैन कार्ड को दो एजेंसी बनाती हैं, एक है NSDL और दूसरी है UTI। आपका पैन कार्ड जिस भी एजेंसी से बना है आपको उसकी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड किस एजेंसी से बना है तो आप अपने पैन कार्ड की पिछली तरफ देख सकते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये कौन सी एजेंसी का बना हुआ है। अगर आपके पास पैन कार्ड की कोई कॉपी अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले हम NSDL की वेबसाइट से पैन कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लीजिए, वहां पर सर्च कीजिए NSDL पैन डाउनलोड और जो पहली वेबसाइट आएगी आप उसको ओपन कर लीजिए। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आपको अपना पैन नंबर फिल करना है, यहां पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, अपना बर्थ मंथ फिल करना है और बर्थ ईयर फिल करना है, यहां पर टिक मार्क लगाना है और कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल सभी की इंफॉर्मेशन जहां पर आ जाएगी। आपको एक OTP रिसीव करना है, आप जहां से टिक लगाओगे कि OTP आपको ईमेल पर चाहिए, मोबाइल पर चाहिए, जहां फिर दोनों पर आप टिक लगाकर कंसेंट पर टिक लगाओगे और जनरेट OTP पर क्लिक कर दोगे तो आपके ईमेल या मोबाइल जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस पर एक OTP आएगा, आप उसको फिल करके वैलिडेट पर क्लिक कर दोगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर पैन कार्ड अप्लाई किया है या उसमें कोई करेक्शन के लिए अप्लाई किया है तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, पर अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो आपको फीस के लिए बोला जाएगा। आप जहां पर कंटिन्यू कर दोगे फीस के दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला पेटीएम का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा बिल डिस्क का। अगर आप पेटीएम यूज करते हो तो पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बिल डिस्क का ऑप्शन सेलेक्ट करके आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए, जहां पे कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। मैं QR कर रहा हूं, आप अपनी पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट होने के बाद आपको पेमेंट कन्फर्मेशन दिखाएगा, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसीट पर क्लिक कीजिए, आपकी पेमेंट की रिसीट शो हो जाएगी, जहां से आप पेमेंट रिसीट डाउनलोड कर सकते हो। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए जहां पर क्लिक कीजिए, आपको ई पैन PDF पर क्लिक करना है, आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, इसका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है DDMMYYYY फॉर्मेट में। आप इसको ओपन करने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए तो आपका पैन कार्ड ओपन हो जाएगा, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अब हम UTI की वेबसाइट से UTI का पैन कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। इसके लिए आप ब्राउजर में सर्च कीजिए UTI पैन डाउनलोड और जो पहली वेबसाइट आए उसको ओपन कर लीजिए। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको अपना पैन नंबर फिल करना है और अपना जन्म का महीना और जन्म का साल फिल करना है, जहां नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल शो होगा, आपको कैप्चा फिल करना है और OTP के लिए सेलेक्ट करना है कि आपको OTP ईमेल पर चाहिए या SMS चाहिए या दोनों चाहिए।
जहां पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो आपने जो सिलेक्ट किया है मोबाइल या ईमेल उस पर ओटीपी आएगा, आप उसको फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा, आप उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल फिल कर दीजिए और बिल डिस्क पर क्लिक करके कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। आगे आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था उस पर एक लिंक जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके ओपन कर लोगे। लिंक को ओपन करते वक्त ही एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा, आप उसको फिल कर लीजिए। आपको पैन कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप पैन पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आपका पैन डाउनलोड हो जाएगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करके इस फाइल को ओपन कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड कई साल पहले बना था तो उस समय मोबाइल नंबर और ईमेल देना जरूरी नहीं था, तो आप जब भी पैन कार्ड को डाउनलोड करने लगोगे तो ये बता देगा कि आपके पैन कार्ड पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप आधार बेस्ड केवाईसी का यूज कर सकते हो। तो आप इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जेस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना आधार नंबर फिल करना पड़ेगा, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप उसको फिल करके कंफर्म पर क्लिक करके सबमिट कर दोगे तो बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा, आप ऐसे अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड किस एजेंसी से बना हुआ है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि आपका पैन कार्ड NSDL से बना था पर आपने UTI की वेबसाइट ओपन कर ली। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि आपका पैन कार्ड इस एजेंसी से नहीं बना है, आपका पैन कार्ड दूसरी एजेंसी से बना है। तो आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं जहां से आपका पैन कार्ड बना है और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पैन कार्ड डाउनलोड करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर हो तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।